देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर ग्वालियर चंबल अंचल की तरफ रुख कर रहे हैं। वो 30 अक्टूबर सोमवार को ग्वालियर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां ग्वालियर चंबल अंचल में 34 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने आ रहे हैं। अमित शाह यहां गुप्त बैठक करेंगे। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी पर कई सीटों पर भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए बीजेपी यहां असंतुष्ट और खेमेबाज नेताओं के बीच अपना डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। अमित शाह यहां बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं। उनके आने से पहले सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर चंबल अंचल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। उस हार से घबराकर प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अपनी लाज बचाने प्रदेश में दर दर भटक रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की निगाहें ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर टिकी है। अमित शाह जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता के तख्त का रास्ता ग्वालियर चंबल अंचल की गलियों से होकर गुजरता है। इतिहास गवाह है, जिसने ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से सबसे ज्यादा जीत दर्ज की है, वही मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुआ है। सत्ता का ताज उसी के सर पर सजा है। 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए बीजेपी इस बार 2023 के इस महत्वपूर्ण इलेक्शन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि टिकट वितरण के बाद भाजपा के भीतर ग्वालियर चंबल अंचल की कई सीटों पर गुटबाजी का खतरा मंडरा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का आना इस रणनीति का हिस्सा है, यानी अमित शाह पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को नसीहत देकर जाने वाले हैं। देखिए, मतलब हमारे देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके ही मार्गदर्शन में पूरे इस चुनाव अभियान को हम आगे ले जा रहे हैं। हम बड़े उत्सुकता से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे के अगले 15 दिन में किस तरीके से हमें कार्य करना है, उस रास्ते पे ही हम लोग आगे निकलेंगे उनके मार्गदर्शन के आधार पर। ग्वालियर चंबल अंचल में कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी के भीतर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। इनमें ग्वालियर जिले की ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट, भीतरवर्ग विधानसभा, डबरा विधानसभा सीट, भिंड जिले की लहर विधानसभा सीट, महंगाम विधानसभा सीट, अटेर विधानसभा सीट, शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट, शिवपुरी विधानसभा सीट, पोहरी विधानसभा सीट, मुरैना विधानसभा सीट, सुमाकली विधानसभा सीट, सबलगढ़ विधानसभा सीट, दिमनी विधानसभा सीट, जैरा विधानसभा सीट, सुमावली विधानसभा सीट शामिल है। डबरा विधानसभा सीट, बीजेपी इन विधानसभा सीटों पर गुटबाजी करने वाले नेताओं की घेराबंदी में जुटी है। बीजेपी की हर गतिविधि पर कांग्रेस भी नजर गड़ाए बैठी है। कांग्रेस अमित शाह के दौरे के बहाने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर मुखर होकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में आंतरिक कलह इतनी ज्यादा है कि अमित शाह को चुनाव के वक्त भी गुप्त बैठक करने ग्वालियर चंबल अंचल में आना पड़ रहा है, जबकि इस वक्त अमित शाह को जनता के बीच होना चाहिए था। अमित शाह का गुप्त बैठक करना स्पष्ट संकेत देता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के हालात खस्ता है और यहां पर बीजेपी कई सीटों पर चुनाव हार रही है। चुनाव में हताश निराश भारतीय जनता पार्टी अब गुप्त दौरों पर उतर आई है। कहीं चुनाव के समय गुप्त दौरे होते हैं, गुप्त बैठकें होती हैं? ये तो हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है, क्योंकि उनको कार्यकर्ता सड़क पर घेर करके उनके कपड़े फाड़ेंगे, इसके लिए वो लोग गुप्त बैठकें करने की बात कर रहे हैं, गुप्त दौरे करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, चुनाव के समय तो जो कुछ होता है सार्वजनिक होता है, मंच लगते हैं, सार्वजनिक होते हैं, क्या नाम जनसभाएं होती हैं। आज प्रियंका गांधी जी ने जनसभा की, सार्वजनिक की ना, गुप्त बैठक तो नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है ग्वालियर संभाग में, पूरी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में हार रही है, इसलिए अमित शाह जी गुप्त बैठकों पर, साजिशों पर, षड्यंत्रों पर, पैसे के खेल पर, इन सारी चीजों पर ये बात करने के लिए गुप्त वार्ताएं कर रहे हैं। गुप्त वार्ताएं तो जूम मीटिंग से कर लेते। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी चुनावी राह इतनी आसान नहीं है। यहाँ बीजेपी नेताओं के कई गुट हैं।
लिहाजा अलग अलग धड़ों में बटी हुई बीजेपी नेताओं में आपस में कोई तालमेल है ही नहीं। यहाँ तक कि नेता एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। अब बीजेपी के लिए ये चुनाव डू एंड डाई की सिचुएशन बन गया है, तो ऐसे में बीजेपी का आला नेतृत्व और खासकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गड़बड़ी करने वाले नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनका ये कदम बीजेपी की गुटबाजी खत्म करने में कितना कारगर साबित होगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, जहां ईवीएम मशीन चुनाव के परिणाम बता रही होंगी।